हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की आज बाइक रैली भी निकल रही है, जिसमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी समेत कई बड़े नेता हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इसी रैली में सड़क पर कई बाइक सवार बिना हेलमेट के भी सवारी करते हुए दिखाई दिए। हालांकि कोई बड़ा नेता बिना हेलमेट के नहीं दिखा, लेकिन कई कार्यकर्ता बिना हेलमेट पहने साफ दिखाई दिए। तो बीजेपी की बाइक रैली में बिना हेलमेट के भी कई कार्यकर्ता दिखाई दिए। हालांकि जो बड़े नेता हैं मनोज तिवारी या तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं दिल्ली बीजेपी के, वो हेलमेट पहने हुए दिखे। तो दिल्ली में बीजेपी की बाइक रैली, चुनावी बिगुल बीजेपी के द्वारा फूंका जा रहा है। 8 फरवरी को चुनाव होना है और 11 फरवरी को नतीजे आने हैं। उससे पहले बीजेपी की बड़ी तैयारी, तमाम कार्यकर्ताओं ने आज बाइक रैली निकाली। ज्यादातर लोग तो हेलमेट में नजर आए, लेकिन कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी थे जिन्होंने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा। बाइक रैली में उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। तो ये तस्वीरें हम उस समय की आपको दिखा रहे हैं जिस समय बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बाइक रैली निकाली गई। और लखनऊ में इसी तरह नागरिकता कानून के विरोध में जब प्रियंका गांधी को स्कूटी पर बिठाकर कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर चला रहे थे, यूपी यातायात पुलिस ने धीरज गुर्जर पर 6100 रुपए का चालान किया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली में बिना हेलमेट रैली में बाइक चला रहे इन कार्यकर्ताओं का चालान करेगी दिल्ली पुलिस। ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। 29 दिसंबर को आपको याद होगा कि पुलिस ने प्रियंका गांधी को रोका था। उसके बाद प्रियंका गांधी एक स्कूटी पर बैठकर बिना हेलमेट के चल दी थी, तो उस समय पुलिस के द्वारा, यूपी पुलिस के द्वारा चालान काटा गया था। लेकिन आज दिल्ली में बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी की बाइक रैली में बिना हेलमेट के नजर आए। तो अब सवाल यही है कि क्या दिल्ली पुलिस इन कार्यकर्ताओं का चालान काटेगी। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने आज देश की राजधानी दिल्ली में, क्योंकि चुनाव होने 8 फरवरी को, उसको देखते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हुए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी भी नजर आए, लेकिन उन्होंने तो हेलमेट लगा रखा था, पर अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने शायद नहीं कहा। कुछ कार्यकर्ता बिना हेलमेट के भी नजर आए, यानी ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए नजर आए। आपको याद होंगी 29 दिसंबर 2019 की तस्वीरें, प्रियंका गांधी स्कूटी पर सवार होकर बिना हेलमेट के चल दी थी, तो उनके ऊपर आरोप लगा था कि ट्रैफिक नियम उन्होंने तोड़े और उस स्कूटी चालक का चालान भी काटा गया था 6100 रुपए का। और अब दिल्ली में इसी तरह कार्यकर्ता बिना हेलमेट के दिखे हैं। सवाल यही कि क्या दिल्ली पुलिस चालान काटेगी।